सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। ये क्या लाए जी आप? ये सर स्ट्रे डॉग्स के लिए, जो ये स्ट्रे एनिमल है, बेजुबान है, इसके लिए एक हमने शेल्टर बनाया है। हाँ जी। जिससे ये सर्दी में, बारिश में ये बचे रहेंगे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये घर के पेट के लिए है या स्ट्रेस के, जो सड़कों पे आवारा घूम रहे उनके लिए? पेट के लिए तो जी सब लोग सोचते हैं। वाह। ये बेजुबान है, ये बेचारे सड़क पर बैठे हैं, इसके लिए सोचने वाले कोई नहीं है। हालांकि लोग प्यार बहुत करते हैं इनसे, डॉग लवर्स की कमी नहीं है देश में। लोग खाना खिलाते हैं इनको, लोग इनको दूध पिलाते हैं, बिस्कुट डाल जाते हैं। लेकिन जब ऐसे ठंड अब जैसे पड़ रही है, मैं देखता हूँ कि सुबह कई जो न्यू बॉर्न पपीज़ होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, वो एक्सट्रीम विंटर में वो मर जाते हैं। ये छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं, कोई कहीं जगह मिल जाए तो। रात को आप गाड़ी खड़ी करोगे, आपकी गाड़ी के नीचे हीट होती है, वो आपकी गाड़ी की हीट के लिए आपकी गाड़ी के नीचे आके बैठ जाते हैं। सुबह आप गाड़ी रिवर्स करते हो, वो तो नींद में होते हैं, वो छोटे छोटे पपीज़ ऐसे मर जाते हैं। ये कैसे काम करता है जी ये सारी चीज़? ये सर कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ये है, ये बहुत अच्छा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेलक्रो का हमने कवर लगाया हुआ है। अच्छा। अंदर पीवीसी पाइप का हमने बहुत हाई ग्रेड इसका फ्रेम बनाया है, और अंदर हमने इसके ब्लैंकेट लगाया जो ह्यूमंस के लिए होता है। बाहर की लेयर पर हमने हाई क्वालिटी लेमिनेशन के साथ कैनवस लगाया है। ओके। तो ये कैनवस जो है, ये इसको विंड से, तेज़ हवाओं से, ठंडी हवाओं से लेमिनेशन जो है इसको वाटरप्रूफ करता है, और कैनवस इसको विंड प्रूफ करता है, और अंदर जो ब्लैंकेट है वो इनको वार्म्थ देता है। अच्छा, ब्लैंकेट सभी तरफ है, अंदर बाहर पूरा टोटल? अच्छा। टोटल दो कंबल इसके अंदर जो हमारे इंसानों के लगते हैं वो इसके अंदर लगे हुए हैं। ओके। और ये डॉग को कैसे पता लगेगा कि मैंने इसके अंदर जाना है? ये ऐसा तो इसको इनिशियली हमें, जैसे मैंने यहाँ पे अभी मैं बिस्कुट डाल रहा हूँ इनके लिए। हाँ जी। थोड़े से बिस्कुट डालने हैं, वो एक बार जब अंदर जाएगा उसको समझ आ जाएगा। अच्छा। नहीं तो वो थोड़ा घबराएगा कि ये मेरा, इसके मैंने इसके अंदर जाना है नहीं जाना है। सबसे बड़ा उनको ये है कि इसमें उनको व्यू नहीं मिलता बाहर का, तो दिन में वो थोड़ा इसमें नहीं आता, लेकिन रात को तो वो कोई कंबल मिल जाए, कोई कपड़ा मिल जाए, कोई गत्ता मिल जाए गाड़ी के नीचे, वो जगह ढूंढते हैं छुपने की। तो ये उनके लिए एक आसरा है। बुलाना डॉग्स को, एक दो देखो कैसे आते हैं। हेलो, आओ 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 आओ, चलो 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 चलो। देखो अब इन्होंने सूंघ लिया, इसके अंदर चले गए। अच्छा। ये इनकी जगह बन गई। अच्छा। अब ये रात को यहीं रहेगा, और उधर भेजो भाई पूरी की पूरी फैमिली। बेटा उधर जाओ, उसमें है, उसमें ये देखिए, इसको गिरने के लिए रोकने के लिए हमने यहाँ ये चार इनको स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं जो इसको सिक्योर कर सकते हैं आप, किसी खंबे के साथ, किसी पोल के साथ, किसी रेलिंग के साथ, किसी जाली के साथ, तो ये सिक्योर है। और ये 10 मिनट में असेंबल हो जाता है, इसका बॉक्स दिखाइए। अच्छा। इसमें पूरा परिवार, एक माँ और उसके 5-7 बच्चे भी आ सकते हैं, एक परिवार उसमें आ जाएगा। 4 फुट इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई हमने 4 फुट इसलिए रखी है कि अगर 5 फुट रखेंगे तो फिर ये चोरी हो जाएगा, इसको कोई इंसान ले जाएगा अपने सोने के लिए, तो ये ऐसा ना कर सके। ऐसे ये बॉक्स में हम इसको दे रहे हैं, इसके अंदर असेंबली इंस्ट्रक्शंस हैं, एक QR कोड है इसका असेंबल करने का, तो कोई भी इंसान ऑल इंडिया। एक चीज और बताइए, जैसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि आवारा कुत्ते हटा दिए जाए। हाँ जी। स्ट्रे डॉग्स के अगेंस्ट हैं। हाँ जी। तो आप तो स्ट्रे डॉग्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हो? बिल्कुल जी। तो ये दोनों चीजें ऐसा है, हम लोग इंडियंस हैं, हमारे धर्म में दया जो है वो हमारे DNA में है, तो इनको खत्म करना या इनको हटाना या इनको हमारी लोकेलिटीज से दूर करना तो सरकारों का काम है। अब उसके अंदर भी दो व्यूज हैं, एक व्यू है पेटा है जो कहती है कि इनको प्यार करो, इनको रोको, एक तरफ मेनका गांधी हैं जो कहती हैं कि मैं इनको हर्ट नहीं करना, इनको मारना नहीं है, और दूसरी तरफ डॉग लवर्स हैं
तो जब तक सरकारें कोई पॉलिसी नहीं लाती इनको स्टरलाइज करने के लिए, इनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए, तब तक हम इनको सड़कों पर मरते हुए, ठंड में ठिठुरते हुए तो नहीं देख सकते ना। तब तक के लिए ये हमने एक शेल्टर बनाया है, ये कोई किसी जगह को घेर नहीं रहा, ये कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं बना रहा कि कोई मैं एनक्रोचमेंट कर रहा है। ये तो एक छोटा सा टेम्परेरी शेल्टर है जिसका खुद का वजन 2-3 किलो नहीं है। तो इसको आप ठंड के टाइम के लिए 2 महीने के लिए 2.5 महीने के लिए जो एक्सट्रीम विंटर है उसमें लगाइए लोगों के, ये बेचारे बेजुबान जीवों के लिए। तो कोई भी अपनी गली के बाहर, अपने घर के बाहर इसे रख सकता आप है। अपनी गली के बाहर, अपने पार्क में, अपने घर के बाहर, सोसाइटी के पार्किंग लॉट में। इसका टोटल एरिया जो इसने लिया है एक बाइसिकल की पार्किंग जितना है। कितने का है जी, प्राइस क्या है इसकी? इसका प्राइस है जी 7,500 रुपये। अच्छा। लेकिन हम इसको क्योंकि हर बात कमर्शियल नहीं हो सकती, तो हमने अभी इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा है 3750, 50% ऑफ पर हम दे रहे हैं। वेरी गुड। पैसा कमाना सिर्फ मकसद नहीं है, थोड़ी सेवा भी करते हैं जीवों की, थोड़ा पुण्य भी ले लें। मिलता कहाँ है? मिलता ये वेबसाइट है हमारी www.loveforpets.in। यहाँ भी लिखा है ना, www.loveforpets.in। इस पे आप जा सकते हैं, कोई प्रोमो कोड नहीं डालना, कोई आपको कोई टोकन कूपन का हमारा कोई वो नहीं है। हमने हर एक के लिए इसका 50% ऑफ रखा हुआ है, और उस 50% ऑफ प्राइस में 3,750 रुपये में ये डब्बे के साथ आपके घर पहुंच जाएगा। ये शिपिंग चार्जेस भी इंक्लूड है, जीएसटी भी इंक्लूड है। बस आप ये हमने एक कदम उठाया है ये प्रोडक्ट बनाने का, आप इसको पहुंचाइए लोगों तक, अपने गली के जो जीवों तक, ये मकसद है जी सिर्फ सेवा का। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मुझे मानते हैं, वो इस सेवा भाव में ज़रूर जाएं। और सुधीर जी, मेरी तरफ से आप 5 बुक कर लीजिए, बहुत बढ़िया, और जहाँ भी आप ठीक समझो वहाँ पर लगवा दीजिए। नहीं नहीं, मैं 5 डब्बे आपके यहाँ दे के आऊँगा, आप अपने हाथ से लगाइए, आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, और आपके जितने जानने वाले हैं, आपके घर की सोसाइटी के बाहर, ये आपके इतने भव्य ऑफिस के बाहर ये लगाया है, तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। मैं थैंक यू वेरी मच, आपने इसके अंदर अपना पहला कदम उठाया। बिल्कुल जी, हम भी चाहते हैं कि पहली बात तो स्ट्रे डॉग्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। हाँ, जब तक वो जिंदा है कम से कम। हाँ जी, है तो वो बेजुबान ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से स्ट्रे डॉग नहीं बने हैं। हाँ जी, वो तो भगवान ने ही कुछ उनको ऐसी जगह पर पैदा किया है। ये इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है हमने, बहुत अच्छी, ये अपने आप आएंगे, अपने आप जाएंगे, और इस ओपनिंग की वजह से इनको कभी रात को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से अपनी उससे इनकी डेथ नहीं होगी। देखिए, ये तो भगवान की लीला है ना, कि किसी के घर का जो पेट है उसके घर में पैदा हो जाते तो ये इनका अलग से लाइफ होती, ये सड़कों के किसी डॉग के घर पैदा हुए हैं तो इनकी लाइफ अलग से है। तो हम इनको ये नहीं हम कर रहे हैं कि आप स्ट्रे डॉग्स को इनकरेज कीजिए, लेकिन जो हैं उनका तो ध्यान रख लीजिए, उनको तो भूखे नहीं मार सकते ना हम। सुधीर का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। थैंक यू, आपने ऐसा एक प्रोडक्ट लेके आए हो जो सेवा भी है और समाज सेवा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जैसे एक इंसान जब दूसरे इंसान की सेवा करता है ना, तो वो इंसानियत की सेवा करता है, तो बाकी के इंसान उसकी इज्जत करने शुरू कर देते हैं। तो ये बेजुबान है, हो सकता है ये हमें बोल नहीं पाएंगे, तो ये कहेंगे थैंक यू, ये कहेंगे गॉड ब्लेस यू, ये कहेंगे आपकी उम्र लंबी हो, हमें नहीं पता ये कह रहे हैं, लेकिन वो तो कहेंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो वॉच की है, सुधीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, मैं आपके सारे दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच हमारे को सुनने के लिए और इसको समझने के लिए आपने इतना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।